तबियत किचन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं अपने तबीयत का हाल बताऊं तो पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। अब थोड़ा बहुत मेरे अच्छे मूवमेंट होने लगे हैं, ज़्यादा तो नहीं, पूरी तरह नहीं, मतलब अब थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट है। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को अपना गार्डन नहीं दिखाया था, चलिए अपना गार्डन दिखाती हूँ, लिटिल किचन गार्डन। दोस्तों कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा गार्डन, ये मैंने अरेंज करवाया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं भी कुछ कर नहीं पा रही थी, भैया मारी और देखिए ज़बरदस्त। और तोरी का हाल बताएं तो इसने अपनी ग्रोथ ऐसी बढ़ा ली है कि पेड़ पे चढ़ गया। अब इसको किस तरह तोड़ेंगे कुछ सोचना पड़ेगा। और इस तरफ मैंने लगाई थी लाल भाजी, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो दिखाऊंगी दोस्तों किस तरह की होती है। ये बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। और यहाँ लगी है मेरी नेपाली राई साग। दोस्तों सरसों और ये नेपाली राई साग में डिफरेंस होता है, ये ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, सरसों की तासीर गर्म होती है। यहाँ मेरे आलू, ये भी ज़बरदस्त हैं। और ये रही मेरी अरबी, देखिए पत्ते कितने बड़े। और यहाँ पे इसी तरह का छोटा सा मैंने किया है, यही था मेरा छोटा सा अपडेट। ये है मेरी छोटी चांदनी। चलिए दोस्तों मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, मिलती हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ करने ब्रेकफास्ट, चाल में अभी भी थोड़ी लड़खड़ाहट है क्योंकि मैं टोटली इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा चल पा रही हूँ। तो मैं करती हूँ दोस्तों फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ मैं दोपहर में आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ये पम्पकिन शूज। ये इस तरह के फल लग तो रहे थे बट उसमें ये ऐसे कीड़े काट दे रहे हैं जिसकी वजह से ये नहीं चलते। और वैसे भी ऑफ सीजन हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है। जो मेरे पहाड़ी भाई रहते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के, वो जानते होंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो आज मैंने थोड़ा अपने गार्डन से फ्रेश फ्रेश, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है फ्रेंड्स, इसके लिए इस तरह के रेशे निकालने होते हैं। अच्छी तरह से धो के लहसुन सूखी मिर्च का तड़का मारना है, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। चलिए मैं फटाफट करती हूँ। तड़के के लिए लिए है लहसुन सूखी मिर्च प्याज। दोस्तों इसमें लहसुन और सूखी प्याज का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये फ्राई में एक ही टमाटर डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी है, थोड़ी सी हल्दी बस। नमक थोड़ा सा बिको फिर निकली बीन्स, इसकी सब्जी तो बनेगी नहीं, तो सब्जी बनी रही है तड़के वाले चावल। जैसे कि आपको पता घर में सभी की फेवरेट है, मैंने लिए आलू बीन्स डालूंगी और कड़ी पत्ता प्याज हरी मिर्च टमाटर एप्पल। चावल तो मुझे भिगो के रखूंगी
कद्दू लगाने के कितने फायदे हैं दोस्तों, उसका फ्रूट भी खाने को मिलता है, पत्तियाँ भी खाने को मिलती है, किडनी शू। और हाँ, कद्दू के फूल के पकौड़े यम्मी। जिनको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, प्लीज चेकआउट, बड़े टेस्टी बनते कद्दू के फूल के पकौड़े। फ्रेंड्स, मैं बीमार क्या हुई, मेरे पेड़ पौधे भी सारे बीमार थे, ऐसे डल से हो गए हैं। बता लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, दिखाती हूँ बेचारे कैसे हो गए हैं। ये मेरा देखन बाकी है, देखिए ना पानी की कमी से कैसा ऐसे हो गया, भी बेचारे को मैंने नहलाया है। ये ऐसे पत्ते येलो हो गए इसके, और मेरा ये मार्बल मनी प्लांट देखिए, ये देखिए मेरा मार्बल मनी प्लांट भी कैसा डस्टी डस्टी भी हो रखा है, देखिए बेचारा। बहुत बुरी हालत है इन लोगों की। इसको तो मैंने अभी नहलाया है तो फ्रेश लग रहा है। इसका और इसका कंपेयर करिए फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे डस्टी डस्टी हो रखे हैं और इसे मुरझाते रहे बेचारे बिल्कुल। तो मैं लगी थी धीरे धीरे इनको करने के लिए। ये मेरे बालकनी में उधर खिड़की के बालकनी में रखे रहते थे ना, चलिए मैं इनको करती हूँ। दोस्तों, इनको भी नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं सीधा सीधा कैसे करूँ इनको, चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ मैं इनके साथ। प्लांट फ्रेंड जरूर लगाना चाहिए, एयर प्योरीफाई प्लांट है, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। ये जुगाड़ किया है फ्रेंड्स मैंने, फिनाइल के डब्बे में लगाया है इसको, बट मेरे को टाइम ही नहीं लगा इसको पेंट करने का, करती हूँ उसका भी कुछ। दोस्तों, ये भी मनी प्लांट भी एयर प्योरीफाई है, और ये डेफिन बाकी अभी एयर प्योरीफाई है, कितने खूबसूरत लगते हैं इसके पत्ते। एंड चलिए मैं तो लगी हुई धीरे धीरे काम कर, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बस काम करो काम करो। दोस्तों, हो गई है रात अब, और मैंने बना ली है आलू की सब्जी, रोटी थोड़ी रुक के बनाऊंगी, जब इन लोग आएंगे तो गरम गरम रहे। तो DIY का भी काम चल ही रहा है थोड़ा बहुत, और पैरों की हालत तो बस लंगड़ी घोड़ी वाली चाल हो रखी है। वीडियो का एंड यहीं करते हैं, दिन भर की दिनचर्या बताई थी मैंने आपको कि मैं कल वीडियो क्या बना रही हूँ, सोच रखा है तो DIY क्योंकि टाइम की भी कमी है। ओके दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे इसी का प्यार देते रहिए, मेरे चैनल में आने ना भूलें। न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज सही टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।